हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएलई हेल्प डेस्क 24x7। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक ऐसी खबर के साथ में जो यूट्यूब से लेके हर जगह पे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लेके कई जगह पे ये भ्रांति चल रही है कि वीएलई कोड से जो अब नया रजिस्ट्रेशन का सीएससी प्रोसेस आया है 2020 में, उसमें वीएलई कोड क्या है। एसएचजी कोड आपको पता है क्या है, आरडीडी कोड क्या है आपको ये पता है, लेकिन ये वीएलई कोड क्या भला आई है किसी को अभी तक नहीं पता है। जितने भी यूट्यूब वाले हैं सब यही कह रहे हैं कि जो आपका डीसी या डीएम है वो कोड देंगे, तो भैया वो कंपनी के सेल्समैन हैं, ठीक है। आपका जो सीएससी चल रहा है ये आपका एक थर्ड पार्टी आप बोल सकते हो या फिर इसको एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, ये अपना काम दिखा करके डीसी डीएम के थ्रू आपको जो फ़ोटो आपने मांगी जाती है, जो आपके न्यू सेटलर आते हैं उसमें आप देखते हो कि फ़ोटोज़ आती हैं, तो काम दिखा के आपका फ़ंड रिलीज़ करवा जाता है, पैसे लिया जाता है। और ये कुछ नहीं है, समझ लीजिए इस चीज़ को एक, ठीक है। आगे मैं बता देता हूँ कि आपको वीएलई कोड कैसे मिलना है, ठीक है। दो प्रोसेस मुझे पता चले हैं और उन्हीं के थ्रू मिलेगा, बाकी कोई तीसरा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले भाइयों के लिए क्या बुरी खबर है, मैं खुद उत्तर यूपी से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से, और जो एसएससी और आरडीडी कोड जो बांट रहे हैं भैया लोग हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि कॉन्टैक्ट करें सीएससी आईडी ले लें, ये कर लें, उनके लिए भी एक बुरी खबर है, वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे आप जाएंगे तो ये सी एस सी वी एल ई लिख के आ रहा है, वी एल ई कोड, ठीक है। तो आप वी एल ई कोड में जब जाओगे तो क्या बोलेगा, आज मेरी हेड ऑफिस में बात हुई है, लखनऊ जो हेड ऑफिस पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे जो मेरी बात हुई उनसे ये पता चला है कि भैया जो एस एच जी कोड है ये यूपी वालों के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जो वी एल ई कोड है ये अपने यूपी वालों को नहीं मिलेगा, ये अन्य सभी राज्यों के लिए है यूपी वालों को छोड़ के। उनका कहना है कि भैया आप लोग पहले से इतना ज़्यादा हर ग्राम सभा पे तो आप छाए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न है भैया, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बड़ी खबर है, बुरी खबर है कि भैया जितने भी यूपी के अपने सीएससी वीएलई भाई हैं अब नेक्स्ट उनको करने के लिए अभी तक कोई भी इसका वीएलई कोड का ऑप्शन नहीं है। एसएचजी और आरडीडी कोड में आपको पता है सबके सब लैमार भरे हुए हैं, मारामारी कर रहे हैं, जितने भी आपके चाहे बिहार के हो गए, चाहे राजस्थान के हो गए, चाहे एमपी के हो गए, दो चार भाई यूपी के भी हैं जो एसएचजी कोड और आरडीडी कोड धल्ले से बांट रहे हैं, ठीक है। एक दो को तो मेरे पास भी नंबर है, ठीक है, कि भैया सब लोग 500 में 600 में दे रहे थे कि मैं 200 में दे सकता हूँ, ठीक है। मेरी आज एक लड़के से बात हुई है, ठीक है। तो लेकिन वही चीज़ है कि आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, जिसको भी प्रूफ चाहिए होगा मेरे से 10 स्क्रीन शॉट ले लेगा, 5 महीने पहले के हैं आरडीडी और एसएचजी कोड के, सॉरी केवल एसएचजी कोड के, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो आपसे बोलेंगे भैया 2000 रुपये 3000 रुपये सीएससी आईडी का लेंगे, आधा आने के पहले आधा आने के बाद, ठीक है। एक बार आप अप्लाई कर दोगे आएगा ही नहीं, आप केवल अंडर प्रोसेस दिखाएगा, आपका जो पैसा है वो चला जाएगा, फिर फ़ोन नहीं उठेगा, व्हाट्सएप पर आप चाहे गाली दो चाहे कुछ कहो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बच के रहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आरडीडी और एसएचजी वाले भैया लोग के लिए क्या है। उससे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, और ऐसी वीडियो को जल्दी जल्दी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा, बेल आइकन को प्रेस शुरू कर दीजिएगा। अगर आप अच्छे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है, नाम मैंने हटा दिया है, नाम ना है किसी का, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट है का व्हाट्सएप का, जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है, जो लोग भी ये बांट रहे हैं, ठीक है, जो हमारे भैया लोग हैं, जो मुन्ना भाई लोग हैं, उनके लिए सूचना है कि जो भी एसएचजी कोड बता रहे हैं कि मतलब क्या रेट चल रहा है, 500 रुपये से स्टार्ट होकर के फिर डायरेक्ट सीएससी का चल रहा है कि 2000 रुपये सीएससी, 2500 रुपये सीएससी, ये रेट चल रहा है आपका, ठीक है। आपसे सूचना है कि ऐसा संज्ञान है कि कुछ लोग, ये सीएससी की तरफ से आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, टीम सीएससी, जिसको भी शिकायत करनी हो डायरेक्ट उठा के नंबर भेजिए, ठीक है, जिसका ही पैसा मरा हो अब तक आप डायरेक्ट उठा के नंबर भेजिए कि सर ये कार्यवाही है, डायरेक्ट वो कार्यवाही करेंगे। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो अपने हेड ऑफिस में बात करिए, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप हों, वहाँ पूछिए सर क्या ऐसा कुछ है, नंबर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं आपके अपने हेड ऑफिस के या अपने डीसी डीएम के, तो कमेंट में बताइएगा आप, मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आपके यहाँ की जहाँ जिस भी स्टेट के आप हैं वहाँ के आपको डीसी डीएम का नंबर मिल जाएगा। ऐसा संज्ञान है कि कुछ लोग नई सीएससी आईडी बनाने के लिए रुपयों की मांग कर रहे हैं, कुछ धैर्यहीन लोग भ्रमित हो रहे हैं। आप सभी को विदित है कि सीएससी आईडी का आवेदन सदैव से निःशुल्क रहा है एवं वर्तमान में भी निःशुल्क है, वर्तमान में सीएससी आईडी का पंजीकरण प्रारंभ नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। जो आम व्यक्ति है उसके लिए सीएससी का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं ऑन है, जो वीएलई कोड है, एसएचजी कोड है, ये एक अलग मीडियम है, जो आपकी फ्रेश आइडिया बन रही है वो भी नहीं बन रही है।
आप लोग भ्रमित ना हो, यदि कोई व्यक्ति सीएससी आईडी बनवाने के लिए रुपए मांगता है तो उसकी सूचना जिला सीएससी टीम को अवश्य दें। ठीक है, आप सभी अपने जितने भी वैली भाई हैं वो डीसी या डीएम से कांटेक्ट में होंगे, नहीं हो तो आप कांटेक्ट करिए उनसे, उनको अगर कोई भी आप किससे ठगी करता है, ठीक है, लेकिन अपना बदला मत निकालिएगा किसी भी चीज़ का। अगर आपके साथ में वॉलेट मतलब गलती हुई है, किसी ने आपको ठगा है, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर वैधानिक कार्यवाही निश्चित है। यह संदेश आप सभी अपने मित्रों से प्रचारित कर दीजिए, वह इस प्रकार के शोषण व छल से बच सके। जी हाँ दोस्तों, क्लियरली आप देख पा रहे हैं, आपको तीनों चीज़ें बता दी मैंने क्या क्या चल रहा है, जो भी आपका थंबनेल में था। वीएलई कोड कैसे मिलेगा अब ये बता देता हूँ। जो हेड ऑफिस से मेरी बात हुई है, यूपी वालों के लिए नहीं है, बिहार और एमपी वालों से मेरी बातचीत हुई है, वो बोल रहे हैं कि भैया जो आपको वीएलई कोड है वो कैसे मिलेगा, दो तरीके हैं इसके। एक, आपके जो डीसी और डीएम है उनके पास में लिस्ट जाएगी, जितने भी आपके वीएलई भाई हैं उनके हिसाब से उनकी आईडी पे जनरेट होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा हो चुका नहीं है। ठीक है, आप अपने डीसी या डीएम को अभी तक किसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी, आप पूछोगे वो हवा में बातें कर देंगे। ठीक है, इससे पुराने वाले वीडियो में मेरी जो बात हुई थी मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि उनको बल्क में कोड दिए जाएंगे। डीसी या डीएम, आपका जो डीसी है वो आपके साथ जाएगा, डम पूरा आपका जो भी लोकेशन है आपका, अगर आसपास कोई सीएससी नहीं है, आपको जियोग्राफिकल टैग मिलेगा। ठीक है, तब आपको वो कोड मिलेगा, तब आप अप्लाई करके उसको अपना सीएससी नया ले सकते हो। ये 2020 का प्रोसेस होगा। ठीक है, और इसमें जो भी आपको लगे कि कोई भी सूचना गलत लग रही है आप नीचे कमेंट में लिखिए। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आप अपने खुद जहाँ से आप हैं, किसी भी स्टेट से हैं, वहाँ के डीसी डीएम से आप बात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और बाकी आपको हर एक जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।